हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर और आज हमारे घर दुल्हन आ गई है शादी होके। तो हम लोग सब गेट पे हैं वेलकम के लिए खड़े दुल्हन के। और देखिए, गांव में जो रिचुअल होती हैं उस हिसाब से अभी बड़ी मम्मी जो है हमारी, वो बहू की आरती वगैरह करके उसे उतारेंगी। तो हम सब लोग वही खड़े होके देख रहे हैं और सब लेडीज़ हैं जो मंगल गीत गा रही हैं, यही सब हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे गांव में किस तरीके से बहू को गाड़ी से उतारा जाता है। इसको परछन की रस्म बोलते हैं, तो परछन हो रही है। ये देखिए हमारी बड़ी मम्मी हैं और ये अब गेट खोल के दुल्हन को निकालेंगी, फिर उसको आरती वगैरह करेंगी और जल का जो लोटे में जल होता है पानी, उससे उसकी नज़र उतारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो वही सारी चीज़ें रिचुअल्स हो रही है यहाँ पे और सब लोग गाना गा रहे हैं, तो आप लोग इसका आनंद उठाइए। तो फ्रेंड्स, दुल्हन आ गई है घर में और दिन भर बीतने के बाद शाम को होती है सत्यनारायण की कथा, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये हमारी बुआ जी हैं, वो कुछ रस्मों की तैयारी कर रही हैं। तो ये देखिए, ये दुल्हन के मायके से कुछ तो आता है, चौथी का जो होता है सामान, तो वो सब आया है और बुआ जी उसकी तैयारी कर रही हैं। सत्यनारायण की कथा होने वाली है, तो ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप जिसमें चौथी छुड़ाया जा रहा है। चौथी छुड़ाना एक रस्म होती है गांव में, जिसमें कि जो मंडप होता है, जो मैंने आपको दिखाया था जब शादी की शुरुआत हो रही थी, तो मंडप गढ़ा गया था। तो अब शादी जब डन हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो अब मंडप को हटाया जाएगा। तो मंडप में जो भी कलश वगैरह, पूजा की सामग्री वगैरह, जो भी सब रखा होता है, तो उसको तालाब में या नदी में विसर्जित किया जाता है। तो उसी रस्म को चौथी छुड़ाना बोलते हैं यहाँ पे, तो वही सब हो रहा है। तो जो कलश का पानी है, जल और जो पूजा की सामग्री, फूल माला वगैरह, जो भी पुराने जो भी मंडप में रखे रहते हैं, वो सब चीज़ों को ला के इस तरह से नदी या तालाब में बहा दिया जाता है और उसको इस तरह से पूजा वगैरह कर ली जाती है। तो वही रस्म चल रही है यहाँ पे, मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों लोग ये रस्म को कर रही हैं। और फिर घर में आते हैं, फिर थोड़ी हंसी मजाक की, थोड़ी गेम वगैरह जो खेली जाती है वो सब होता है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो कलश था उसको अच्छे से सारा विसर्जित किया जा रहा है, उसके अंदर का सारा जल वगैरह और पूजा की सारी सामग्री और कलश को अच्छे से धो लिया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कलश में पानी भर के तालाब से और लाया जाएगा, फिर एक गेम होता है आंगन में, वो गेम खेला जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चौथी छुड़ाने की रिचुअल होती है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है यहाँ पे। अरे गोलुआ, एक झापड़ मार, घर ही चल जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चौथी की पूजा हो रही है और वहीं पे जहाँ पे हमारे ग्राम देवता थे वहाँ पे, तो अब ये पूजा यहाँ पे हो जाएगी। फिर यही कलश का जल लेके आया जाएगा घर पे और फिर वो गेम शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे आंगन में बड़ी मम्मी और मम्मी जी दोनों लोग बैठ के एक दूसरे के सिर के ऊपर ये पानी कलश का डाल रही हैं और एक दूसरे से पूछ रही हैं कि जुड़ानो, तो वो बोलती हैं कि हाँ जुड़ाने। तो इसका मतलब ये वहाँ पे इस लैंग्वेज में हमारी होता है कि तुम खुश हो सब चीज़ से, तुम मतलब तुमको सब कुछ अच्छा तुम्हारे मन से हो गया है, शादी संपन्न हो गई तो तुम खुश हो ना, तो वही चीज़ है, रिचुअल होता है यहाँ पे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।